Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटी मसाले वाली जूसी चटकारे वाली देसी रेसिपी, जिसको देखते ही खाने का दिल करेगा और बनाना इतना आसान कि आप इसे तुरंत बनाएंगे। जी हाँ, एक बार पानी वाले पकौड़े आप बनाएंगे तो दिल बार बार खाने को कहेगा। पानी पकौड़े को बनाने में हमें किन किन सामानों की जरूरत पड़ती है, आइए देख लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। पानी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें फुल्की तैयार कर लेना है और फुल्की के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी बेसन लिया है। ये लगभग हमारा 200 ग्राम बेसन है। इसमें एक चम्मच नमक जाएगा, इसके साथ इसमें जीरा और अजवाइन 1/1 पिंच जाएगा, इसमें 1/4 स्पून इसमें हल्दी जाएगा और आधा चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगा। लाल मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अनुसार आप देख लें। इसमें इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनके साथ इनमें बेकिंग सोडा जाएगा 1/4 स्पून जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो इसकी एक अलग से स्मेल आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 1/4 स्पून इसमें हमें बेकिंग सोडा डालना है और इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही पकौड़े हम लोगों ने कई बार खाए हैं दही फुल्की, लेकिन ये पानी पकौड़ा काफ़ी चटपटा और मज़ेदार होता है। आप चाहें तो इसे अपने त्योहारों में या फिर रमजान का महीना चल रहा है आप उसमें भी बना के सर्व कर सकते हैं अपने फैमिली को। काफ़ी चटपटा और मज़ेदार ये पानी पकौड़ा लगता है। अब ये थोड़ा थोड़ा करके पानी हमें इसमें डालते हुए इसको अच्छे से हमें फेंट लेना है। बहुत ज़्यादा इसकी थिकनेस हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें और 6 से 7 मिनट हमें इनको अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसके अंदर एक एयर आ जाए और जब हम पकोड़े तलें तो काफ़ी फ्लफी और स्मूथ हमारा ये पकोड़े बनकर तैयार हो, जिस तरह से घर में हम लोग कढ़ी तैयार करते हैं और कढ़ी के लिए हम पकोड़े के लिए बेसन को तैयार करते हैं, उसी तरह से हमें इन फुलकों को तैयार करने के लिए, पकोड़ों को तैयार करने के लिए इसका भी बैटर को काफ़ी अच्छे से फेंटना है। और एक ही डायरेक्शन में हमें इसको फेंटना है। इस तरह से हमारा बेसन अच्छे से फिटा है कि नहीं, इसमें एयर आया है कि नहीं, इसके लिए हमें इसके बैटर को इस तरह से उठाना है और पानी में हमें डाल करके देखना है। अगर ये पानी में तैर रहा है तो समझ लीजिए आपका बैटर काफ़ी अच्छे से फिट चुका है। ये पानी में नहीं तैर रहा, इसीलिए हमें 5 से 7 मिनट के लिए खूब अच्छे से फेंटना है। हम इसको हाथों से अपने फेंटेंगे। 6 से 7 मिनट हो गया है इनको फेंटते हुए और एक बार हम फिर देख लेंगे पानी में इनको डाल के। ये देखिए पानी में काफी अच्छे से ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब इसमें काफी अच्छे से एयर आ गई है। तो इस तरह से ये हमारा बैटर फुल्की के लिए तैयार हो गया है। इसको हमें 5 से 10 मिनट के लिए ढककर के छोड़ देना है। पानी पकौड़ा है तो इसके लिए हमें पानी के लिए मसाला तैयार करना है। इसके लिए हमने 10 से 15 कली इमली को भिंगो दिया है गर्म पानी में। इसका पानी हमें इस्तेमाल करना है ताकि हमारा पानी में खट्टापन, एक फ्लेवर खट्टापन का आए, तो जो कि हमारे पानी के जायके को बढ़ाएगा। इसके साथ हमने धनिया और पुदीना लिया है और 10 से 15 हमने हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च आप अपनी टेस्ट के अनुसार रखें और 3 कलियां हमने लहसुन का लिया है। इन सभी को हमें एक मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेना है। एक हरी समझ लीजिए चटनी तैयार कर लेना है जो कि हमारे पानी को काफ़ी अच्छा फ्लेवर देगा। तो इसको हम मिक्सी ग्राइंडर में काफ़ी महीन पीस लेंगे चटनी की तरह। हरी चटनी बनकर हमारी तैयार हो गई है और यहाँ पे हम पकौड़ों के लिए पानी बनाकर तैयार कर लेंगे। और पकौड़ों को पानी तैयार करने के लिए हमें एक बाउल ले लेना है और उसमें हमें ठंडा पानी डालना है और इसमें हमें ये जो चटनी हमने
पीस करके रखी है। पुदीना हरी धनिया और इसमें लहसुन की कली थी वो डाल देंगे, ठंडा ठंडा। और ये पानी पकौड़ा काफी मजेदार लगता है, खासतौर पे इन गर्मी में। और इमली का पानी जो हमने इसको भिगो कर रखा था, इसके गूदे को हमें नहीं डालना है। इसके साथ एक चम्मच नमक जाएगा। 1/4 स्पून में हमने हींग लिया है, हींग का फ्लेवर काफी अच्छा लगता है। इसके साथ आधा चम्मच काला नमक जाएगा और एक चम्मच इसमें चाट मसाला जाएगा। इसके साथ 2 से 3 हरी मिर्च हमने लिया है, महीन महीन काट लिया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसको देख लें। और इसमें सूखा पुदीना था मेरे पास, उसको हमने क्रश कर लिया है ताकि इसका फ्लेवर काफी अच्छा है। और साथ में इसमें हरी धनिया जाएगा महीन कटा हुआ, 2 चम्मच हमने इसको लिया है। और इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें हमें प्याज की रिंग डालना है, इस तरह से गोल स्लाइस हमने काट लिया है। और इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स करके, और इसमें आप देख लें पानी में नमक मिर्च बराबर में होना चाहिए, थोड़ा सा ये खुलता हुआ नमक और मिर्च इसकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, पानी खट्टा चटपटा होना चाहिए, तभी पानी पकौड़ा खाने में मजेदार लगेगा। पानी हमारा काफी ठंडा था, अब हमें पकौड़े तैयार कर लेने हैं। इतनी देर के लिए हमें इसको फ्रिज में रख देना है ताकि ये पानी हमारा ठंडा काफी बना रहे, तभी खाने में काफी मजा आएगा। तो इसको हम फ्रिज में रख देते हैं और फिर हम पकौड़े को तैयार कर लेते हैं। तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम हमें मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको तलना है पकौड़ों को, ताकि हमारे पकौड़े अंदर से पक जाए अच्छे से। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, अपने हाथों को थोड़ा सा गीला करते हुए इस तरह से एक बार और इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे, और इस तरह से हाथों को गीला करते हुए आप जो भी साइज रखना चाहते हैं, छोटा बड़ा जो भी साइज रखना चाहते हैं पकौड़ों को, वो आप रख सकते हैं। थोड़ा सा हम छोटा साइज रखेंगे क्योंकि पानी में डालने के बाद ये पकौड़ों का साइज काफी बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फूल करके पानी में। पकौड़े हमारे पकते जाएंगे और ऊपर तेल में इस तरह से आ जाएंगे ऊपर, और इनको लाइट गोल्डन कलर में हमें करना है। मीडियम फ्लेम पे हमें ध्यान रखना है, तेज आंच पे इनको हमें नहीं तलना है, पकौड़े अंदर से अच्छे से पक जाने चाहिए। और दूसरी साइड में हमने एक बाउल में पानी रखा है, पकौड़ों को तलने के बाद हमें पानी में डाल देना है। और इस पानी में आधा चम्मच हमने नमक लिया है और 1 पिंच हमने इसमें हींग लिया है, इससे इसका फ्लेवर काफी अच्छा आएगा। इनको हमें मिक्स कर लेना है। पकौड़ों में एक लाइट कलर आ रहा है, थोड़ा से इन्हें और कलर हमें देना है। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और इन पकौड़ों को निकाल लेना है, इसमें काफी अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। ये देखिए ये गोल्डन कलर आ गया है। बाकी के सारे पकौड़े हमें तल लेने हैं और इन्हें हमें इस तरह से ये पानी में डाल देना है। 2 से 3 मिनट के लिए हमें इनको पानी में छोड़ देना है ताकि हमारे पकौड़े अच्छे से नरम हो जाए, और बाकी के पकौड़ों को हम तल के निकाल लेते हैं। पकौड़े हमारे तलकर तैयार हो गए हैं और पानी भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इन पकौड़ों को हमें पानी में से इस तरह से निकाल के थोड़ा सा निचोड़ लेना है दबाते हुए, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। बहुत तेज हाथों से नहीं हमें दबाना है, नहीं तो पकौड़े आपके ये टूट जाएंगे। और इन्हें इस तरह से पानी में हमें डाल देना है, जो हमने मसाले वाला जो पानी बनाया है उसमें हमें इस तरह से एक एक करके डालते जाना है। बहुत ही हल्के हाथों से हमें इनको पानी हमें निचोड़ लेना है। इस तरह से ये हमारा पानी पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। हमारे ही किचन में वो सारे सामान जो आसानी से मिल जाते हैं, और इन्हीं से एक चटपटी मज़ेदार रेसिपी पानी पकौड़े हमारे तैयार हैं।
इनके पानी का स्वाद पानी फुल्की जैसा खट्टा चटपटा और फुल्की जूसी एकदम सॉफ्ट बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपकी रेसिपी कैसी बनी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। आपको हमारे पानी पकौड़े का स्वाद कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह से हमारे हंग्री स्पून चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें, उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू। Watching, stay tuned with Hungry Spoon.